बनाते बनाते मैं आपसे उसके बाद बहुत बिजी हो जाती हूँ। तो गाइस चाय तो मैं दूध वाली पीती हूँ, ग्रीन टी भी लेती हूँ और चाय भी दूध वाली ही लेती हूँ, बिकॉज मेरे को ना कि सुबह सुबह बिल्कुल माइंड फ्रेश वाली चाय होनी चाहिए जो बिल्कुल मेरे माइंड को फ्रेश कर दे, वो वाली चाय लेती हूँ। वो चाय लेना मेरे लिए बहुत ज़रूरी रहता है। इसलिए मैंने फ्राइड राइस बनाया था एंड शॉर्ट ब्रेक में उनको फ्रूट्स जाता है सो फ्रूट्स एप्पल काट के दिए मैंने। ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, सुबह उठने की भी आदत है मुझे। सोचो मैं अभी 6 o'clock हो रहे हैं और मैं नहा के पूजा करके पीयू को भेज के खाना बना भी लिया मैंने। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ, एक बात बता रही हूँ। सो आदत सी होनी चाहिए, इंसान कुछ भी कर सकता, आदत होनी चाहिए। और मेरा मेरा ब्राउन शुगर, जो मैं ब्राउन शुगर वाली ही चाय पीती हूँ, एक छोटी सी इलायची कूट के डालती हूँ गया इसमें मशीन में कपड़ा डाल के फिर जाऊंगी मैं कि धुल गया रहेगा क्योंकि उसमें वो अपने आप ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, तो मशीन में कपड़ा डाल के ही जाऊंगी ऑफिस। तो फिर चाय कितने वक्त मिलती है बिकॉज नवीन अभी भी सो रहे हैं, उनको एक्चुअली वो 8:40 पे जाते हैं और मैं भी उसी टाइम पे निकलती हूँ, मेरा भी वही टाइमिंग है। और आज कुछ स्पेशल बनेगा बिकॉज हमारे घर में बहुत दिन हो गया बनाए हुए, बहुत ही ज़्यादा दिन हो गया, तो पीयू की फरमाइश है, आप समझ सकते हो क्या होगा। तो पीयू की फरमाइश जो है वो आज बनेगा मेरे ख्याल। मेरे को नहाने के बाद ना कान में बहुत ऐसा अजीब सा होता है, तो करती हूँ 2 मिनट के लिए करती हूँ ज़रूर। जब मैं शैम्पू करती हूँ तो मेरे कान में अजीब सा होता है, ऐसा खुजली सी होती है, सो मैं कर देती हूँ फिर उसको। पूरे दिन नहीं होगी लेकिन हाँ नहाने के बाद तो होती ही है मेरे को, एक बार कर लिया ना फिर संतुष्टि में तो ऐसा चैन आ जाता है। हो गया सिंपल, चाय बन जाए, चाय पीते हैं। मैं इनको आवाज देती हूँ, नवीन आएंगे अभी, नवीन आ जाओ। देखो ये मैडम लोगों को बाहर रखा है मैंने आज, बारिश नवीन बारिश की बातें कर रहे हैं। ये पूजा मैंने कर लिया आपको दिख रहा है, और नवीन कॉल पे हैं बिकॉज जो हमारी कंपनी है वहाँ पे वही देखना था कि बारिश में क्या है क्या नहीं, तो वही पूछ रहे उससे। तो फिर ये रहा मेरा आज का लुक, आज का ड्रेस। और आई थिंक सो मैंने 2 किलो फिर से वेट लूज कर लिया गोवा से आने के बाद से, और वेट लूज करना मेरे चुटकियों का काम है बिकॉज मैं बहुत हार्ड डाइट करती हूँ और वर्कआउट भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, मेरा भागम दौड़ बहुत ज़्यादा हो जाता है। सो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मैं कर लेती हूँ, बहुत अच्छे से कर लेती हूँ अपना फिगर मेंटेन। सोचो मैं 80 kg की हो गई थी, फिर मैं 45 पे आ गई, इतना डबल मतलब किया मैंने। और ऐसा नहीं भूखा रह के नहीं करती, मैं खाती पीती हूँ, लेकिन आपको पता ही है डाइट प्लान मैंने बताया भी था कि मैं क्या क्या लेती हूँ, सो इसकी वजह से मेरा वेट बराबर हो जाता है। तो फिर गाइस मैं चाय पानी करके फिर नवीन को भेज के खुद भी एक क्लास लूँगी, फिर सीनियर जाऊँगी, फिर आने के बाद क्लास लूँगी, फिर उसके बाद से मैं आपसे मिलती हूँ। सो गाइस मैं आ गई, और आने के बाद इतनी थक गई थी कि मैं आपको दिखा नहीं सकी कि मैंने आज क्या अपने लिए बनाया। आज भी मैंने हेल्दी फूड बनाया, आज मैंने क्या किया, रात की बची हुई दाल थी, मूंग था, सोयाबीन थी, प्याज को सौंट किया,
मूंग डाला, सोयाबीन डाला उसमें, और रात की जो अरहर की दाल तुअर, मतलब मराठी में तुअर बोलते हैं ऐसे, अरहर की दाल जो है वो मैंने मिक्स कर दिया इसमें। अब उसके बाद से मैंने इसमें एक कप मैंने ओट्स डाल दिया, और ये बन के बहुत, और बनने के बाद से मैं एक्चुअली भी बहुत भूख लगी थी, सुबह सुबह चली जाती हूँ तो बहुत भूख लगी है, पीऊँ भी अभी थोड़ी देर में आती होगी, सो मैंने सूट ही नहीं किया, मैं फटाफट बना के खाऊँ। मैं आई थिंक हाँ मैंने दो तीन बाइट खा भी लिया है, फिर मैंने आपको वीडियो शूट करके दिखा कर रही हूँ। और बनने के बाद से मैंने इसमें एक लेमन निचोड़ कर डाला है, बहुत टेस्टी बना है। मैं ऐसी घाई घाई में बनाई हूँ बट बहुत टेस्टी बना है। मैं आपको उसका लुक दिखा दूँ, ये इसकी लुक रही, लाइट नहीं जल रही इसलिए थोड़ी ब्राउनी ब्राउनी दिख रही है, बट ये इसकी लुक रही। बहुत ही मैं बना, क्योंकि मैं शूट करने से पहले ही एक दो बाइट मैंने खा लिया था, क्योंकि मुझे भूख लगी थी। अब भूख लगती है तो मैं कुछ भी नहीं ध्यान नहीं देती हूँ। सो मैं आपको खाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद मिलती हूँ, क्योंकि बिकॉज मैं बहुत थक गई और भूख तो बहुत तेज लगी है। आप देखो बहुत अच्छे से इसको फ्लेम को कम ज़्यादा करना है। जब ऊपर आए तो नीचे ऑफ कर दें। ये बॉयल हो चुका है, अब मैं इसमें डालूँगी कॉफ़ी। अब मैं इसमें डालूँगी कॉफ़ी। ये रहा मेरी कॉफ़ी। एक अगर हार्ड बनाना है तो एक कभी डालती हूँ, ठीक है। इसको बॉयल होने दो, आप अच्छे से बॉयल हो जाने दो, कम करो। एकदम बिल्कुल मार्केट जैसी बनती है ये, अच्छे से बॉयल कर लो इसको। दो तीन बार इसको अच्छे से बॉयल हो गया, अब मैं इसमें थोड़ी और डालूँगी, इतनी कॉफ़ी और डालूँगी। अब मैं इसको ऐसे मिक्स कर दूँगी। बॉयल करना, बॉयल करोगे तो इसका टेस्ट अच्छा आता है। हम इस गैस को, गैस की फ्लेम को बंद करते हैं एंड कप में डालते हैं। ये देखो बिल्कुल झागदार, बिल्कुल मार्केट में आपको ऐसी मिलेगी, मिलती है ना ऐसी झागे वाली। गाइस मैं सोच रही हूँ वीडियो ज़्यादा लंबा तो नहीं, बट मैं इतना लंबा करना भी नहीं चाहती। एंड मैंने मशीन में बहुत सारे कपड़े डाल रखे हैं, मशीन की आवाज़ आ रही है, और बहुत सारे कपड़े मैंने दो लॉट धो भी दिया है, और पीहू आ गई हैं, पीहू सो रही हैं। आप ही सोचो मैं कितना काम करती हूँ, रियल में बहुत काम हो जाता है मेरे को अकेले। एंड मैं ऊपर जा रही हूँ, ऊपर कुछ हाँ मैं एक्चुअली मेरी एनिवर्सरी थी जब हम घुमा गए थे, तो मेरी एनिवर्सरी थी। तो मुझे बगल वाली मेरी जो बगल में जो आंटी हैं उन्होंने मुझे गिफ्ट किया, और मैं आपको दिखाती हूँ। एक्चुअली एट अ टाइम फिर मैं ब्लॉग नहीं कर पाती, क्योंकि ना घर में बहुत सारे काम रहते हैं, खुद का भी काम रहता है। ये साड़ी मुझे आंटी ने गिफ्ट की है, अच्छी साड़ी है। मैंने उनको बोला था मुझे येलो साड़ी पसंद है, लाइट येलो कलर की, तो ये येलो कलर की साड़ी उन्होंने मुझे गिफ्ट की है। मैंने ऐसे उठा के ऐसे रख दिया, इसलिए मैं गिफ्टेड ओपन कल कर दिया था। तो ये रहा मेरा गिफ्ट, इसके साथ इन्होंने जो एक सुहागन को देते हैं सिंदूर बिंदी चूड़ी सब कुछ दिया था उन्होंने मुझे, तो मैंने आलमीरा में रख दिया। एंड धूप भी बहुत है, देखती हूँ नवीन
कॉफ़ी पी लिए हैं। कॉफ़ी पीने के बाद से पीयूष अभी उठी नहीं है, पीयूष उठेंगी फिर हम रात का देखते हैं क्या डिनर की प्लानिंग करते हैं। अभी कुछ आइडिया नहीं है क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। एक्चुअली वीकेंड रहता है तो हमारा थोड़ा लेट ही हो जाता है, बट लेकिन कैसे पीयूष की सैटरडे स्कूल होती है सो प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए हम 10 o'clock पर सो ही जाते हैं। मिलती हूँ थोड़ी देर में, या मैं ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ बिकॉज थोड़ी देर में मिलूँगी नहीं मिलूँगी काम में लग जाती हूँ। सो गाइस टेक केयर एंड मैं अभी गुड नाइट बोल देती हूँ, गुड नाइट। सो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, व्यू देना एंड देना आपकी मर्जी है। ओके बाय।